एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। माय नेम इज श्राइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं, उसे किसे कहते हैं और किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होते हैं, वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में और हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, देखिए, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसे। तो जो भी नंबर ऑफ एटम होते हैं रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट के, अभी जब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगी तो पता चलेगा क्या होता है रिएक्टेंट एंड क्या होता है प्रोडक्ट। वैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आल्सो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेड इक्वल टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थे उनको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू उनको बैलेंस करने का एक प्रोसेस बनाया गया। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो रिएक्टेंट थे एंड जो प्रोडक्ट थे उनमें क्या था कि इक्वलिटी होनी चाहिए उनके एटम्स में। इस लॉ ने कहा, दिस लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस लॉ ने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा था कि जो भी मैटर होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उनको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम लोग उनको बना सकते हैं और ना ही हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। इतनी ही बात हमें बताई गई थी। तो यहाँ पर वही बात को हम लोग फॉलो करके इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो ये जो प्रोसेस था इक्वलाइजिंग द एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ इक्वलाइजेशन इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये जो प्रोसेस था क्या करने का, इक्वल करने का, जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर H, ठीक है, हाइड्रोजन O2, इसको सिंपली मैं भी ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा वाटर, फॉर्म हो जाएगा, ये सबको पता है, ये वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस रिएक्शन में कहीं बैलेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 एटम है। हम लोग इनके एटम में देखते हैं, इसके एटम में इक्वलाइजेशन हम लोग को करना है इनके, मतलब जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जितने एटम ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही एटम ऑफ मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए, यही कह रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ईजी वे में बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड, ये वाला क्या है हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला हमारा RHS है राइट हैंड साइड। तो LHS में जितने एटम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ एटम इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए, RHS में प्रेजेंट होते हैं, होने चाहिए, ये भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है। तो अब देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सो वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन जब भी कोई होता है तो उसमें ना तो कोई लॉस होता है एटम का और ना ही कोई गेन, कोई एटम बढ़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम का जो इधर से उधर ठीक किया जाता है। मतलब जैसे होता है ना कि 3 चेयर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसको अरेंजमेंट हमने कर दिया तो 3 चेयर ही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो चीज़ अलग जगह रखा गई, तो ये क्या होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी मॉलिक्यूल ऑफ एटम इधर उधर हो गए हैं उनको हम लोग अरेंज करना है सेम वे में, और एटम के नंबर जो हैं उनको सेम करना है दोनों ही डायरेक्शन में, LHS में भी और RHS में भी। सो हेंस द इक्वेशन हैज़ टू बी बैलेंस, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, वो इक्वेशन बैलेंस कहलाएगा, और सेम नंबर ऑफ एटम हैव टू बी मेंटेन ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों ही साइड में क्या हो जाएंगे, जो रिएक्शन की संख्या है, जो रिएक्शन है हमारे, सेम हो जाएंगे। या फिर हम एक और कह सकते हैं कि अ केमिकल इक्वेशन इज़ टू बी सेट बैलेंस्ड इफ़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड एज द सेम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए, जो हमारे केमिकल इक्वेशन है उनके एटम ऑफ मॉलिक्यूल बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिए हुए हैं, ये वाला हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है, इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको बैलेंस, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने लिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है एंड कौन सा रिएक्टेंट है, तुमने बताया था पहले ही कि जो भी केमिकल इक्वेशन में भाग लेते हैं, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है,
और ये वाला क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट, इन दोनों का रिएक्ट कराने पर, रिएक्शन कराने पर क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा LHS, और ये वाला पार्ट है हमारा RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है, H2O और O2 के जो मॉलिक्यूल हैं, इनमें जो एटम प्रेजेंट हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सेम करना है किसके, यहाँ पर जो प्रेजेंट है हमारा वाटर। तो कैसे हम लोग इसको सेम करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि क्या असिमिलरिटी है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया एलिमेंट। यहाँ पर एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, इधर भी एक लाइन खींच दी। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ले लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन में, रिएक्टर में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यानी इसमें। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर H2 जो है हमारा, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है ना, दो ही एलिमेंट है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में हम लोग इसकी बात करें रिएक्टेंट की, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितने एटम हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर दो एटम है ना, H2 है। और फिर हम लोग जब इसमें आते हैं, इस वाले में प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा इक्वल है। अब यहाँ फिर ऑक्सीजन में आते हैं, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम है हमारे। और ऑक्सीजन में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 1 एटम है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है यानी कि 1 एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंसी, क्या बैलेंसी दिखाई दे रही है, नहीं, यहाँ पर 2 सिमिलर हैं, बट यहाँ पर क्या है, 2 और 1 का है। तो हमें क्या करना होगा, उसको सेम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है हमारा कि हमें क्या करना है कि पहले हम लोग को इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर कैसे बनाने हैं, पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को हमें करना है, ऑक्सीजन को देखना है। तो यहाँ पर तो हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पर तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हम जब भी बढ़ाएंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए, ये हमारा था H2, ये हमारा था O2, और इसको क्या करना है हमें, यहाँ पर H2O। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ पर कितने नंबरों की कमी पड़ रही है, कितने एटम कम है, 2। तो यानी कि यहाँ पर ये 2 का ऑक्सीजन का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 अब ऑक्सीजन भी हो गई, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर हो गई, बट क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 एटम हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि इसका और इसका इंटू हो जाएगा, इसका इसका इंटू हो जाएगा, तो 4 एटम हो जाएंगे किसके, हमारे हाइड्रोजन के, 4 एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे हमारे RHS में, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें तो 2 ही एटम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा वो जाएगा 2H2 प्लस O2, और हमारा फाइनल रिएक्शन बन जाएगा 2H2O। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन के एटम कितने यहाँ पर 4 हो गए, और ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, 2 हुए ना, इसके साथ इसका 2 हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर जो होता है उसको हम लोग दोनों में लेते हैं, दोनों में लेंगे। अब इसका जो है पर्सनली यहाँ पर 2 था, ठीक है, और यहाँ यहाँ पर इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन जो था हमारा, उसका 4 एटम हो गया, और ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम हो गए, ठीक है, 2 एटम ऑक्सीजन के हो गए, और हाइड्रोजन के हमारे 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पर इक्वलिटी और यहाँ पर जो बैलेंसिंग है वो पूरी तरीके से प्रॉपर हो गई हमारी। इधर हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है हमारा वो इक्वल हो गया किसके, RHS के, यानी कि दोनों बैलेंसिंग क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे रिएक्शन को देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, चलिए लेते हैं फेरस का, ठीक है, फेरस का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो आयरन का यहाँ पर सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग इससे नोट कर लेते हैं, Fe प्लस O2 का रिएक्शन कराने पर बनता है हमारा Fe2O3, ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाता है। अब देखिए
इसमें वही काम करना है हमको। चलिए लिख लेते हैं, फेरस में कितने एटम है बेटा, फेरस में एटम कितने हैं, फेरस में कितने एटम हैं, यहाँ पर फेरस में 1 एटम है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन में कितना एटम है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारे कितने एटम हैं, हमारे 2 एटम हैं। अब हम ये तो हमारा हो गया LHS, सबसे पहले हम लोग को काम यही वाला करना है, और उसके बाद इधर RHS डाल लेते हैं। RHS इधर वाला, इधर हमारे फेरस के कितने आइटम हैं, इधर हमारे फेरस के हैं 2 आइटम, एंड ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, ऑक्सीजन के हैं 3 आइटम। तो यहाँ पर देखिए, फेरस भी बैलेंसिंग नहीं है और ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों में से कोई भी बैलेंसिंग नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है। तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम रिएक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसीलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले रिएक्शन को वैसे ही हमने उतार लिया, ठीक है। क्या था हमारा Fe2O3। तो यहाँ पर देखना है हमें, पहला काम हमें देखना है कि ऑड एंड इवन, यहाँ पर इवन आपको जो दिख रहा होगा उसको उसके बगल में जो भी होगा वो ऑड होगा, ऑड जो होगा हमारा उसको पहले हमें इवन करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए RHS में, इसमें तो सिर्फ इवन है, लेकिन जहाँ पर जिस वाले में हमारा ऑड होगा उसको पहले हमें देखना है। तो ऑड हमारा कहाँ है, RHS में है, और RHS में कौन सा नंबर ऑड है हमारा, ऑक्सीजन जो है उसके जो एटम है वो ऑड है, तो पहले हमें इवन करनी होगी। इवन कैसे करेंगे, अब हम किसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा जो नंबर आए वो हमारा इवन नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, हमने बताया था ना इसका इसमें क्या होता है, इनटू होता है, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका भी इसमें हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हमारे हो गए ऑक्सीजन के एटम और ये हमारे हो गए फेरस के एटम, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमारा ये तो क्या हो गया, ये क्या 6 हमारा हो गया और ये हमारा 4 ही है। और यहाँ पर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, तो हमें 4 फेरस को भी क्या करना होगा, 4 करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 4 कर दें, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर हम 4 कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा देखिए बैलेंसिंग करनी है हमें, अब यहाँ पे भी फेरस 4 हो गया और यहाँ पे तो फेरस 4 था ही इसका, इसका इनटू कराने पर, तो फेरस कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर भी फेरस हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। बट यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना था, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 6 हो गया था, तो हमें यहाँ पर भी तो उतना ही करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3 से, 3 2 जा क्योंकि हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा 6, यानी कि हमारा अब देखिए बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला हमारा फाइनल रिएक्शन होगा, जिसमें 4 एटम जो होंगे हमारे फेरस के होंगे, एंड 4 एटम इधर वाल भी फेरस के हो गए, ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर 6 थे, तो इधर वाल RHS भी इक्वल हो गया। अब हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू द RHS, एंड ये हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। वाटर में हम लोग का ये फाइनल रिएक्शन था, ये हम लोग का फाइनल रिएक्शन था, आप लोग फाइनल रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो प्रोसेस हैं वो तो सिर्फ क्या है, आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए हैं। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, जिससे आप लोग के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं इसे भी। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो होने वाला है, हम इसको ले लेते हैं, P+O2 फॉर्म हो रहा है P2O5, ठीक है। अभी मैं इसका कोई वर्ड ओकेशन नहीं लिख रही हूँ, मतलब इसके कोई नेम नहीं लिख रही हूँ कि फॉर्म क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा है LHS, ये हमारा है RHS, ठीक है। अब हमें LHS और RHS को दोनों को इक्वल करना है, जहाँ पर हमें एटम इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस कितना है, ये जो हमारा फास्फोरस है उसमें कितना है बेटा, उसमें एटम जो है वो 1 है, ऑक्सीजन जो है इसमें कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पर RHS की बात करें तो यहाँ पर फास्फोरस में 2 एटम है, एंड ऑक्सीजन में कितने एटम है, 5 एटम है। यहाँ पे कोई भी बैलेंस ही नहीं दिखाई दे रही है, ना तो फास्फोरस ही बैलेंस है ना तो ऑक्सीजन ही, यानी कि हमें दोनों देखना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप लोग उस नंबर को पहले बैलेंस करोगे जहाँ पर आपको ऑड नंबर दिखाई देगा दोनों में से, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो। तो यहाँ पर देखिए, आपको LHS में दिखाई दे रहा है या RHS में दिखाई दे रहा है ऑड नंबर, ज़ाहिर सी बात है RHS में ऑड नंबर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो 5 है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले इसको ही क्या करना होगा, इवन करना होगा। तो अब हम 5 से किस में मल्टीप्लाई कराएं कि ये इवन हो जाए। अगर हम 5 से
थ्री में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर हम 5 से 2 में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा 10 हो जाएगा, जो कि क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, है ना, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये तो हमारा इवन नंबर हो जाएगा ना, ये तो इवन हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारा जो ऑक्सीजन एटम था वो कितना हो गया, 5 2 10, कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, अब 10 हो गए। लेकिन फास्फोरस कितना है, यहाँ पर फास्फोरस कितना है बेटा, 2 2 4। तो अब हमें इधर भी तो बैलेंसिंग करनी होगी, तो चलिए हम लोग इधर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले इक्वेशन को मैं वैसे ही उतार रही हूँ, सेम जो मैंने पहले बनाया है उसको वैसे ही उतार लिया सेम। अब देखिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, 4 फास्फोरस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 यहाँ पर हो गए, अब यहाँ भी 4 हो गए, 2 2 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हमारे 10 हैं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन 10 हैं। अब फास्फोरस हमारे इधर क्या है, फास्फोरस हमारा इधर 4 है, और यहाँ पर भी फास्फोरस हमारा 4 हो गया। चलो फास्फोरस बैलेंस हो गया हमारा। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो किससे हम मल्टीप्लाई करें कि इधर भी हमारा 10 हो जाए, क्योंकि इधर हम ऑक्सीजन की नंबर 10 है। तो यहाँ पर हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दें बेटा, तो इधर भी तो 10 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के नंबर भी सेम हो गए, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल बैलेंसिंग, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो में जो भी डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे, और आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।